आज हम आपको प्लाजो की सिंपल प्लाजो की ड्राफ्टिंग बताएंगे पेपर पर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पेपर को फोर फोल्ड कर लेना है। ये हमारा सिंगल फोल्ड है, अब हम इसे फोर फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा चार तह में हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले हम इलास्टिक के लिए 2 इंच ऊपर को मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पेपर हमारा छोटा है, इसीलिए हम सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। आप कपड़े पर इंच का प्रयोग कीजिएगा। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी इलास्टिक डलेगी। ये हमने इलास्टिक के लिए मार्जिन पर को छोड़ दिया है। उसके बाद हम हमारी प्लाजो की तैयार लंबाई है 38 इंच, हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। और हमें नीचे को 2 इंच हमें नीचे को फोल्ड करने के लिए चाहिए प्लाजो की मोहरी को, तो हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 38 है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 इंच। तो 40 का फोर चौथाई भाग होगा हमारा 10 इंच, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हिप का निशान लगेगा और इलास्टिक हमारी कमर के हिसाब से डलेगी। तो हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। आसन जैसा हमारा हिप यहाँ पर 40 इंच का था, उसे हम यहाँ पर भी ले लेंगे 10 इंच। हम इसको यहाँ पर पूरा ले लेंगे, इसका चौथाई भाग, और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद हमारा 11.5 हो जाएगा और हम इसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें आसन की चौड़ाई आगे को 2 इंच लेनी होती है, आगे को बढ़ानी होती है क्रोच एरिया के लिए, तो हम 2 इंच क्रोच एरिया के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे 2 इंच के हिसाब से, हमने यहाँ पर क्रोच एरिया ली है और इसे हम गोलाई में दे देंगे। उसके बाद हमें मोहरी हमें जितनी चौड़ाई आप मोहरी लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। यहाँ पर हम 8.5 इंच मोहरी ले रहे हैं, 8.5 इंच हम यहाँ पे मोहरी ले रहे हैं। ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक मोहरी तक हमें इसे थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन नहीं करनी है, थोड़ा राउंड घुमाना है इस तरीके से। घुमाते हुए हमें यहाँ लाना है। अब हमें इस यहाँ पर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, ऊपर की साइड को भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। उसके बाद हमें कमर की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर तिरछी लाइन खींचनी होती है। इससे क्या होगा, हमारा जो प्लाजो है नीचे को नहीं खिसकेगा। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमारी कमर थी 38 इंच, हमने उसमें 2 इंच प्लस किया तो हमारा 40 निकल के आया। यहाँ पर हमने 40 का चौथाई भाग हमारा 10 हुआ। यहाँ पर हमने 10 इंच की हिप ली है और 10 में 1.5 इंच प्लस किया है, तो यहाँ पर हमारा 11.5 इंच पर हमारा आसन आया है। उसके बाद हमारी प्लाजो की तैयार लंबाई जो थी 38 इंच थी और 2 इंच हमने नीचे को प्लाजो की मोरी को फोल्ड करने के लिए लिया था। हमारी प्लाजो की बस हमें प्लाजो में इतनी ही मार्किंग करनी होती है। हमारे प्लाजो की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थैंक यू।